परिचय मूल रूप से अप्रैल 10-14-1967 को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाथ संघ न्यूयॉर्क के समक्ष एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रथुपाद द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत चैतन्य चरितामृत भगवान चैतन्य महाप्रथु की प्रामाणिक जीवनी पर दिए गए 5 प्रातःकालीन व्याख्यानों के रूप में चैतन्य का शाब्दिक अर्थ है जीवन शक्ति, चरित का अर्थ है चरित्र और अग्रित का अर्थ है अमर। सजीव प्राणी होने के नाते हम हिलडुल सकते हैं किंतु एक मेज ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसमें जीवनी शक्ति नहीं है। गति, हिलना डुलना तथा क्रियाशीलता को जीवनी शक्ति का चिन्ह या लक्षण माना जा सकता है। निस्संदेह ये कहा जा सकता है कि जीवनी शक्ति के बिना कोई क्रियाशीलता नहीं आ सकती। यद्यपि भौतिक अवस्था में जीवनी शक्ति रहती है किंतु वह अवृत अर्थात अमर नहीं होती। अतएव चैतन्य चरितामृत शब्दों का अनुवाद जीवन शक्ति का अमर चरित्र के रूप में किया जा सकता है। किंतु ये जीवन शक्ति अमर रूप में कैसे प्रदर्शित होती है? यह इस भौतिक ब्रह्मांड में मनुष्य या किसी अन्य प्राणी द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति इन शरीरों में अमर नहीं है। हम में जीवनी शक्ति है, हम कार्य करते हैं और हम अपनी प्रकृति तथा वैधानिक स्थिति से अमर हैं। किंतु हम जिस भौतिक स्थिति में लाकर रखे गए हैं उसमें हमारी अमरता का प्रदर्शन नहीं हो पाता। कठ उपनिषद में कहा गया है कि अमरता तथा श्री चैतन्य चरितामृत जीवन शक्ति हम और ईश्वर दोनों में होती है। यद्यपि यह सच है कि हम तथा ईश्वर दोनों ही अमर हैं किंतु अंतर तो है ही। हम जीव होने के नाते अनेक कर्म करते हैं किंतु हम में ऐसी प्रवृत्ति रहती है जिससे हम इस भौतिक प्रकृति में आ गिरते हैं। ईश्वर में ऐसी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। सर्वशक्तिमान होने के कारण वे कभी भी भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में नहीं आते। निस्संदेह भौतिक प्रकृति उनकी अचिंत्य शक्तियों में से केवल एक शक्ति का प्रदर्शन है। हमारे और ईश्वर के बीच का अंतर समझने के लिए एक उदाहरण सहायक हो सकता है। हमें भूमि से आकाश में केवल बादल दिखते हैं किंतु यदि हम बादलों के ऊपर उड़कर जाए तो हमें चमकता सूर्य दिखेगा। आकाश से गगनचुंबी महल तथा शहर बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के पद से यह समस्त भौतिक सृष्टि नगण्य एवं तुच्छ लगती है। बद्ध जीव की प्रवृत्ति है कि वह उन ऊंचाइयों से नीचे आना चाहता है जहां से विहंगावलोकन किया जा सकता है, किंतु ईश्वर में यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। माया में आ गिरने की प्रवृत्ति ईश्वर में नहीं है, जिस तरह सूर्य में यह प्रवृत्ति नहीं होती कि वह बादलों से नीचे आए। मायावादी तत्वज्ञानियों का मत है कि जब जीव तथा ईश्वर भी इस भौतिक जगत में आते हैं तो दोनों ही माया के वश में रहते हैं। यही उनके दर्शन का दोष है। हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने में से एक जैसे नहीं समझने चाहिए। वे स्वयं कृष्ण हैं, सर्वोपरि व्यक्ति हैं, इसलिए वे कभी भी मायारूपी बादल द्वारा आवृत नहीं होते। कृष्ण, उनके विस्तार और यहाँ तक कि उनके उन्नत भक्त भी माया के बंधन में कभी नहीं आते। भगवान चैतन्य कृष्ण भक्ति का उपदेश प्रदान करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। दूसरे शब्दों में वे स्वयं कृष्ण हैं जो जीवों को कृष्ण तक पहुंचने के सही मार्ग की शिक्षा देते हैं। वे उस शिक्षक की तरह हैं जो अपने छात्र को कमजोर देखकर लेखनी लेकर लिखता है और बोलता जाता है, इस तरह आ ई लिखो। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि शिक्षक स्वयं आ ई सीख रहा है। इसी तरह यद्यपि भगवान चैतन्य भक्त के वेश में प्रकट होते हैं किंतु हमें मूर्खतापूर्ण ढंग से यह नहीं सोचना चाहिए कि वे एक साधारण पुरुष हैं। हमें ये सदा परिचय यदा स्मरण रखना होगा कि भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण ईश्वर हैं जो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह कृष्ण भक्त बना जाए और हमें इसी प्रकाश में उनका अध्ययन करना चाहिए। भगवद्गीता 18:66 में भगवान कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। किंतु हम कहते हैं, अरे शरण में जाऊं? मेरे ऊपर तो अनेक उत्तरदायित्व हैं और माया हमसे कहती है तुम ऐसा मत करना, नहीं तो तुम मेरे बंधन से छूट जाओगे, मेरी चुंगाल में फंसे रहो और मैं तुम्हें लतियाती रहूंगी। ये सच है कि हम माया द्वारा निरंतर उसी तरह लतियाते जा रहे हैं जिस तरह कामुक गधे को एक गधी संभोग के लिए आते समय मुख पर लात मारती है। इसी प्रकार से कुत्ते तथा बिल्लियां भी मैथुन के समय हमेशा लड़ते झगड़ते हैं। यहां तक कि जंगल के हाथी को पकड़ने के लिए उसे प्रशिक्षित हथिनी के द्वारा गड्ढे तक ले जाया जाता है। हमें प्रकृति की इन चालों से शिक्षा लेनी चाहिए। माया के पास हमें फंसाने के अनेक तरीके हैं और भौतिक जगत मुझका सबसे प्रबल बंधन पाशश्री है। निस्संदेह हम न तो पुरुष हैं न स्त्री, क्योंकि ये उपाधियां हमारे बाह्य वस्त्र शरीर को ही लागू होती हैं। वास्तव में हम सब कृष्ण के दास हैं, किंतु बद्ध जीवन में हम सुंदर सत्री रूपी लोहे की जंजीर से जकड़े हुए होते हैं। इस तरह प्रत्येक नर यौन जीवन से बंधा है। अतएव जब भी कोई व्यक्ति भौतिक बंधन से छूटने का प्रयास करना चाहे तो उसे सबसे पहले अपनी काम वासना को वश में करना सीखना चाहिए। अनियंत्रित काम वासना से मनुष्य पूरी तरह माया के बंधन में फंस जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस माया से 24 वर्ष की आयु में वैराग्य ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उनकी पत्नी 16 वर्ष की थी और माता 70 वर्ष की थी और वे ही अपने परिवार के एकमात्र पुरुष सदस्य थे। यद्यपि वे ब्राह्मण थे और धनी नहीं थे किंतु उन्होंने संन्यास ले लिया और इस तरह पारिवारिक बंधन से अपने को विलग कर लिया।
श्री चैतन्य चरितामृत। यदि हम पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना में बनना चाहते हैं तो हमें माया के बंधन को छोड़ना होगा, अथवा यदि हम माया के साथ बने रहना चाहते हैं तो हमें इस तरह रहना होगा कि हम माया के वशीभूत न हो, जैसा कि भगवान चैतन्य के घनिष्ठ भक्तों में से अनेक गृहस्थों ने किया। किंतु सन्यासियों के प्रति भगवान चैतन्य अत्यधिक कठोर थे, यहाँ तक कि छोटे हरिदास को, जो कि एक महत्वपूर्ण कीर्तन गायक था, किसी युवती पर कामुक दृष्टि डालने के कारण उन्होंने निकाल दिया था। महाप्रभु ने उससे कहा, तुम मेरे साथ एक सन्यासी के रूप में रह रहे हो, फिर भी एक स्त्री के प्रति कामुक दृष्टि से देखते हो। दूसरे भक्तों ने हरिदास को क्षमा करने के लिए महाप्रभु से प्रार्थना की, किंतु उन्होंने उत्तर दिया, तुम सब लोग उसे क्षमा कर उसके साथ रह सकते हो, मैं अकेला रहूंगा। दूसरे प्रसंग में जब महाप्रभु को यह पता चला कि एक गृहस्थ भक्त की पत्नी गर्भवती है, तो उन्होंने उसके बच्चे का एक विशेष शुभ नाम रखने के लिए कहा। अतः जब महाप्रभु ने गृहस्थों के लिए संयमित संभोग की स्वीकृति दी थी, तब व्रत के दिन स्नान के बहाने डुबकी लगाकर पानी पीने की पद्धति अपनाकर दूसरों को ठगने के प्रयास करने वाले सन्यासियों के प्रति वे बस के समान कठोर थे। दूसरे शब्दों में, वे अपने अनुयायियों के बीच किसी भी प्रकार का कपट आचरण सहन नहीं कर सकते थे। चैतन्य चरितामृत हमें बतलाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को किस तरह माया के बंधन तोड़कर अमर बनने की शिक्षा दी। अतएव जैसा कि पहले कहा गया है, इस शीर्षक का सही अनुवाद होगा, जीवन शक्ति का अमर चरित्र। परम जीवन शक्ति तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, वे परम पूर्ण व्यक्ति भी हैं, जीव असंख्य हैं और वे सभी व्यक्ति हैं। इसे समझना अत्यंत सरल है, हम सभी अपने विचारों तथा इच्छाओं में स्वतंत्र व्यक्ति हैं और परमेश्वर भी एक व्यक्ति हैं, किंतु वे इस बात में भिन्न हैं कि वे सर्व प्रमुख व्यक्ति हैं जिनसे कोई पार नहीं पा सकता। शुद्ध जीवों में एक जीव दूसरे से किसी न किसी मामले में बढ़कर हो सकता है। भगवान भी इन सभी जीवों के समान एक व्यक्ति व्यष्टि हैं, किंतु वे इस मामले में भिन्न हैं कि वे परम व्यक्ति हैं। परिचय अडाएं ईश्वर अच्युत भी हैं, जैसा कि भगवद्गीता में उन्हें संबोधित किया गया है। अच्युत का अर्थ है जो कभी पतित नहीं होता, ये नाम उचित है क्योंकि भगवद्गीतमाएं अर्जुन को मोह हुआ था किंतु कृष्ण को नहीं हुआ था। कृष्ण अपनी अच्युतता का प्रदर्शन स्वयं करते हैं जब वे अर्जुन से कहते हैं, जब मैं संसार में प्रकट होता हूं, तब मैं ऐसा अपनी अंतरंगा शक्ति से करता हूं। भगवद्गीता 4:6। इस तरह हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जब कृष्ण भौतिक जगत में होते हैं तब वे भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। कृष्ण तथा उनके अवतार कभी भी भौतिक प्रकृति के वश में नहीं होते, वे सर्वथा मुक्त रहते हैं। वस्तुतः श्रीमद्भागवत में ईश्वरी प्रकृति वाला व्यक्ति उसे बतलाया गया है जो भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता। यदि एक भक्त तक ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है तो परम भगवान के विषय में तो कहना ही क्या। वास्तविक प्रश्न तो यह है कि भौतिक जगत में रहते हुए हम भौतिक कल्मश से कलुषित हुए बिना कैसे रह सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी हमें बतलाते हैं कि हम इस जगत में रहते हुए तभी अकलुषित रह सकते हैं जब हम कृष्ण की सेवा को अपना अभीष्ट बना लें। तब कोई यह उचित रूप से प्रश्न कर सकता है, मैं किस तरह सेवा कर सकता हूँ। यह मात्र ध्यान करने की बात नहीं है जो केवल मन का कार्य है, अपितु ये कृष्ण के लिए व्यवहारिक कार्य करने की बात है। ऐसे कार्य में हमें किसी भी संसाधन को उसका उपयोग किए बिना छोड़ना नहीं चाहिए। जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हमारे पास हो, उसका उपयोग कृष्ण के लिए करना चाहिए। हम प्रत्येक वस्तु का, टाइपराइटर, मोटर कार, हवाई जहाज, प्रक्षेपात्म, हर वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम लोगों को केवल कृष्ण भावनामृत के विषय में बतलाएं तो भी हम सेवा करते हैं। इस तरह यदि हम अमान, रैमेद्री या वाणी, धन तथा शक्ति का उपयोग कृष्ण की सेवा में होता है तो हम भौतिक प्रकृति में नहीं रह रहे हैं। आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना के बल पर हम भौतिक प्रकृति के स्तर को पार कर जाते हैं। ये तथ्य है कि कृष्ण, उनके अंश तथा उनके श्री चैतन्य चरितामृत भक्त, अर्थात वे जो उनके लिए कार्य करते हैं, भौतिक प्रकृति में नहीं होते, यद्यपि अल्पज्ञ यही सोचते हैं कि वे होते हैं। चैतन्य चरितामृत हमें शिक्षा देता है कि आत्मा अमर है और आध्यात्मिक जगत के हमारे सारे कार्य भी अमर हैं। मायावादी लोग, जिनका विचार है कि परम पूर्ण निर्विशेष एवं निराकार है, ये दलील देते हैं कि स्वरूप सिद्ध आत्मा को बात करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु वैष्णवजन, जो कि कृष्ण के भक्त होते हैं, दलील देते हैं कि जब कोई साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करता है तभी वह सचमुच बोलने लगता है। वैष्णव कहता है, इसके पहले तो हम केवल बकवास कर रहे थे, अब हम अपनी वास्तविक बातें, कृष्ण की बातें शुरू करें। अपने मत के पक्ष में मायावादी जल की गगरी का दृष्टांत देते हैं। वे कहते हैं कि जब गगरी जल से भरी नहीं होती तो छलकती चलती है और आवाज करती है, किंतु जल से भरी होने पर नहीं छलकती और आवाज नहीं करती। तो क्या हम जल की गगरियां हैं? हमारी उपमा उनसे कैसे दी जा सकती है? अच्छी उपमा वह है जिसमें दो वस्तुओं में यथासंभव अनेक समानताएं हों। जल की गगरी जीवित शक्ति नहीं है, जबकि हम हैं। नित्य मौन ध्यान जल की गगरी के लिए अच्छा हो सकता है, किंतु हमारे लिए वह पर्याप्त नहीं है। जब सचमुच कोई भक्त यह अनुभव करता है कि उसके पास कृष्ण के विषय में कहने के लिए बहुत कुछ है, तो प्रतिदिन 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं।
जो मूर्ख होता है उसकी ख्याति तब तक रहती है जब तक वह मौन रहता है, क्योंकि उसका मौन भंग होते ही उसकी पोल खुल जाती है। चैतन्य चरितामृत दिखलाता है कि परमेश्वर के यशोगान से अनेक अद्भुत बातों का पता चलता है। चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, मैं अपने गुरुओं को सादर नमस्कार करता हूँ। वे यहाँ बहुवचन का प्रयोग गुरु शिष्य परंपरा को इंगित करने के उद्देश्य से करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे केवल अपने गुरु को नमस्कार करते हैं, वे तो पूरी परंपरा को, शिष्य परंपरा की पूरी श्रृंखला को नमस्कार करते हैं, जो स्वयं कृष्ण से शुरू होती है। इस प्रकार गुरुओं शब्द के संबोधन से समस्त पूर्ववर्ती गुरुओं के प्रति लेखक का परिचय जरातीव सम्मान प्रदर्शित होता है। गुरु शिष्य परंपरा को नमस्कार करने के बाद लेखक अन्य भक्तों को, स्वयं भगवान, उनके अवतारों को, ईश्वर के विस्तारों को तथा कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के प्रकाश को प्रणाम करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो कभी कभी कृष्ण चैतन्य भी कहे जाते हैं, इन सबके मूर्त रूप हैं। वे एक साथ भगवान, गुरु, भक्त, अवतार, अंतरंगा शक्ति तथा ईश्वर के विस्तार हैं। वे अपने पार्षद नित्यानंद के रूप में ईश्वर के प्रथम विस्तार हैं, अद्वैत के रूप में वे अवतार हैं, गदाधर के रूप में वे अंतरंगा शक्ति हैं और श्रीवास के रूप में वे भक्त की भूमिका में तटस्थ जीव हैं। इस तरह कृष्ण को अकेला नहीं सोचना चाहिए, अपितु अपने समस्त सनातन प्राकृतियों के साथ विद्यमान मानना चाहिए, जैसा कि रामानुजाचार्य ने बतलाया है। विशिष्टाद्वैत दर्शन में ईश्वर की शक्तियां, विस्तार तथा अवतार विविधता में एकता माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में ईश्वर इन सबों से अलग नहीं है, ये सभी मिलकर ईश्वर कहे जाते हैं। वास्तव में चैतन्य चरितमृतो मभकृत के लिए नहीं, क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है। आदर्श रूप में मनुष्य को भगवद्गीता से प्रारंभ करता है और श्रीमद् भागवत से आगे बढ़ता है और फिर चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करता है। यद्यपि ये सभी महान शास्त्र एक जैसे परम स्तर पर हैं, किंतु तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से चैतन्य चरितामृत सर्वोच्च स्तर पर माना जाता है। इसके प्रत्येक श्लोक की रचना पूर्ण है। चैतन्य चरितामृत के दूसरे श्लोक में लेखक भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को नमस्कार करते हैं। वे भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद की उपमा सूर्य और चंद्रमा से देते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत के अंधकार को दूर करते हैं। इस उदाहरण में सूर्य और चंद्रमा का उदय साथ साथ हुआ है। पाश्चात्य जगत में जहां भगवान चैतन्य का यश एक तरह से अज्ञात है, वहां ये पूछा जा सकता है, कृष्ण चैतन्य कौन है? इस प्रश्न का उत्तर चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज ने अपने ग्रंथ के तीसरे श्लोक में दिया है। सामान्यतया उपनिषदों में परम सत्य को निर्विशेष रूप में बताया गया है, किंतु ईशोपनिषद में परम सत्य के साकार पहलू का उल्लेख मिलता है, जहां हम निम्नलिखित श्लोक पाते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत हिरण्यन पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम तत्व कृष्ण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। हे प्रभु, हे समस्त जीवों के पालक, आपका वास्तविक मुख आपके चमकौले तेज से ढका हुआ है। कृपया उस आवरण को हटा लें और अपने शुद्ध भक्तों को अपना दर्शन दें। ईशोपनिषद मंत्र 15। निर्विशेषवादियों, मायावादियों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वे ईश्वर के तेज को पार करके उस परम पुरुष तक पहुंच सकें, जिनसे ये प्रकाश उत्सर्जित होता है। किंतु ईशोपनिषद परमेश्वर की एक स्तुति है। ऐसा नहीं है कि उसमें निर्विशेष ब्रह्म का निषेध किया गया है, उसका वर्णन तो है ही, किंतु उस ब्रह्म को भगवान कृष्ण के शरीर का जाज्वल्यमान तेज कहा गया है। और चैतन्य चरितामृत से हमें पता लगता है कि भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण है। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण चैतन्य ही निर्विशेष ब्रह्म के आधार हैं, परमात्मा जो कि हर जीव के हृदय में और ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु के भीतर विद्यमान है, चैतन्य महाप्रभु के अंश स्वरूप मात्र हैं। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्म तथा सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के आधार होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस प्रकार वे 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। ये हैं धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। संक्षेप में हमें जानना चाहिए कि वे ही कृष्ण हैं, परमेश्वर हैं और न तो कोई उनके समान है, न उनसे बढ़कर है। उनसे श्रेष्ठ किसी वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती। वे परम पुरुष हैं। एक विश्वस्त भक्त श्री रूप गोस्वामी, जिन्हें भगवान चैतन्य ने लगातार 10 दिनों से अधिक काल तक शिक्षा दी थी, उन्होंने लिखा है, नमो महाभाग्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाने गौरत्विषे नमः। मैं उन परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जो अन्य किसी अवतार, यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण से भी अधिक वदान्य है, क्योंकि वे उस वस्तु को बिना मूल्य के प्रदान कर रहे हैं, जिसे अभी तक किसी ने नहीं दिया है, और वह है कृष्ण का शुद्ध प्रेम। भगवान चैतन्य अपनी शिक्षाएं कृष्ण शरणागति से ही शुरू करते हैं। वे सच्छोर से श्रीकूरते हैं, जहां मनुष्य शक्ति का परित्याग कर देता है। भगवद्गीता में कृष्ण आत्मा को पदार्थ से पृथक बतलाते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं और 18वें अध्याय में उस बिंदु पर समाप्त करते हैं, जहां आत्मा भक्ति में उनका शरणागत हो जाता है। मायावादी लोग वहीं अपनी बात समाप्त कर देते हैं, किंतु वास्तविक विवेचना तो वहीं से शुरू होती है। वेदांत सूत्र का शुभारंभ अथावो ब्रह्मजिज्ञासा से होता है,
अब हम सर्वोपरि परम सत्य के विषय में पूछताछ प्रारंभ करें। इस तरह रूप गोस्वामी चैतन्य की प्रशंसा सभी अवतारों में से परम दयालु अवतार के रूप में करते हैं, क्योंकि वे भक्ति के सर्वोच्च स्वरूप को बतलाकर सबसे बड़ा उपहार प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे किसी के भी द्वारा पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भक्ति एवं भगवत साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। एक तरह से जो भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है वह भक्ति के स्तर पर स्थित होता है। किंतु ईश्वर को महान स्वीकार करना कुछ ही तो है, किंतु अधिक नहीं। भगवान चैतन्य ने आचार्य के रूप में ये शिक्षा दी कि हम ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं और सचमुच ही ईश्वर के मित्र, माता पिता या प्रियतमा बन सकते हैं। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया, क्योंकि अर्जुन उनका परम प्रिय मित्र था। किंतु कृष्ण को समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में देखकर अर्जुन ने अपने इस मैत्री भाव के लिए क्षमा मांगी। भगवान चैतन्य इससे भी आगे निकल जाते हैं। भगवान चैतन्य के माध्यम से हम कृष्ण के मित्र बन सकते हैं और इस मैत्री की कोई सीमा नहीं होगी। हम आदर या गौरव में नहीं, अपितु पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कृष्ण के मित्र बन सकते हैं। यहाँ तक कि हम अपने को ईश्वर के पिता या माता के रूप में संबंधित भी मान सकते हैं। ये दर्शन न केवल चैतन्य चरितामृत का है, अपितु श्रीमद्भागवत का भी है। विश्व में ऐसे कोई अन्य शास्त्र नहीं है जिसमें ईश्वर को भक्त के पुत्र रूप में माना गया हो। सामान्यतया ईश्वर को परम शक्तिमान पिता के रूप में देखा जाता है, जो अपने पुत्रों की मांगों को पूरा करने जजो श्री चैतन्य चरितामृत वाले हैं। किंतु कभी कभी बड़े बड़े भक्त अपनी भक्ति के आचरण में ईश्वर को अपने पुत्र के रूप में देखते हैं, तब पुत्र मांगता है और पिता तथा माता उन मांगों को पूरा करते हैं और कृष्ण की इच्छा पूर्ति करते समय भक्त पिता या माता के समान बन जाता है। इस तरह ईश्वर से लेने के स्थान पर हम ईश्वर को देने लगते हैं। इसी संबंध के कारण कृष्ण की माता यशोदा ने भगवान से कहा, यहाँ बैठो और खाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। ठीक से खाओ। इस प्रकार कृष्ण हर वस्तु के स्वामी होने पर भी अपने भक्त की कृपा पर आश्रित रहते हैं। यह मैत्री का अद्वितीय स्तर है, जिसमें भक्त अपने आप को वास्तव में कृष्ण का पिता या माता मानता है। किंतु चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा उपहार उनकी यह शिक्षा थी कि कृष्ण को अपना प्रेमी मानना। इस संबंध में भगवान अपने भक्त पर इतने अनुरक्त रहते हैं कि वे प्रेम विनिमय करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। कृष्ण वृंदावन की गोपियों के इतने अनुग्रहित थे कि वे अपने आप को उनके प्रेम का बदला देने में असमर्थ अनुभव करते थे। उन्होंने उनसे कह दिया, मैं तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान देने में असमर्थ हूँ, मेरे पास लौटाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह प्रेमी तथा प्रेमिका के श्रेष्ठतम स्तर पर संपन्न की गई भक्ति का ज्ञान चैतन्य महाप्रभु ने ही प्रदान किया। इसे किसी पूर्ववर्ती अवतार या आचार्य ने कभी नहीं दिया था। अतएव श्री रूप गोस्वामी के कथन के आधार पर कृष्णदास कविराज ने अपने इस ग्रंथ के चौथे श्लोक में लिखा है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सुनहरे वर्ण में कृष्ण हैं और वे मता शची के पुत्र हैं, शची नंदन हैं। वे उदारतम पुरुष हैं, क्योंकि वे सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए। आप सब लोग उन्हें सदैव अपने हृदय में रखें। उनके माध्यम से कृष्ण को समझना सरल होगा। हम प्रायः यह वाक्यांश सुनते हैं, भगवत प्रेम। इस भगवत प्रेम को कहाँ तक विकसित किया जा सकता है? इसे वैष्णव दर्शन से सीखा जा सकता है। भगवत प्रेम का सैद्धांतिक ज्ञान तो अनेक स्थानों में तथा अनेक शास्त्रों में मिल जाएगा, किंतु वह भगवत प्रेम वास्तव में है क्या और इसे किस तरह विकसित किया जाता है, इसे तो वैष्णव साहित्य में ही पाया जा सकता है। श्री चैतन्य परिचय अजान महाप्रभु के द्वारा तो भगवत प्रेम अद्वितीय एवं सर्वोच्च विकास को प्राप्त हुआ है। इस भौतिक जगत में भी हमें प्रेम का अल्प ज्ञान हो सकता है, तो ये कैसे संभव होता है? ये हमारे मूल भगवत प्रेम की उपस्थिति के कारण होता है। इस बद्ध जीवन में हमें जो भी अनुभव प्राप्त होता है वह उन परमेश्वर में स्थित रहता है जो प्रत्येक वस्तु के चरम स्रोत हैं। परमेश्वर के साथ अपने मूल संबंध में हम वास्तविक प्रेम पाते हैं और वही प्रेम भौतिक परिस्थितियों के द्वारा विकृत रूप में प्रतिबिंबित होता है। हमारा वास्तविक प्रेम सतत एवं अंतहीन होता है, किंतु इस जगत में जब वही प्रेम विकृत रूप में प्रतिबिंबित होता है तो इसमें निरंतरता का अभाव रहता है और वह उन्मादयुक्त हो जाता है। यदि हम वास्तविक दिव्य प्रेम चाहते हैं तो हमें अपने प्रेम को प्रेम के उन सर्वोपरि पात्र भगवान कृष्ण के प्रति स्थानांतरित करना होगा। कृष्ण भावना का यही मूलभूत सिद्धांत है। भौतिक चेतना में हम उस वस्तु से प्रेम करना चाहते हैं जो रंच मात्र भी प्रेम के योग्य नहीं है। हम अपना प्रेम कुत्तों और बिल्लियों को देते हैं और साथ ही यह खतरा मोल लेते हैं कि मरते समय यदि हमने उनके विषय में सोचा तो परिणाम स्वरूप हमें कुत्तों या बिल्लियों के परिवार में जन्म लेना पड़ सकता है। मृत्यु के समय हमारी चेतना हमारे बाद के दूसरे जीवन को निश्चित करती है। यही एक कारण है कि वैदिक शास्त्र स्त्रियों के सतीत्व पर इतना अधिक बल देते हैं। यदि एक स्त्री उसके पति के प्रति अत्यधिक आसक्त है तो मृत्यु के समय वह अपने पति के बारे में सोचेगी और दूसरे जीवन में वह एक पुरुष के शरीर को उन्नत होगी। साधारणतया एक पुरुष का जीवन स्त्री के जीवन से अच्छा होता है, क्योंकि एक पुरुष को आध्यात्मिक विज्ञान को समझने के लिए अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। किंतु कृष्ण चेतना इतनी उत्तम है कि यह पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं करती।
भगवद गीता 9:3-2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई चाहे स्त्री शुद्र वैश्य अथवा निम्नयोनि में उत्पन्न कोई व्यक्ति मेरा आश्रय ग्रहण करता है वह निश्चित रूप से मेरा संग प्राप्त करता है, ये कृष्ण का आश्वासन है। श्री चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु हमें सूचित करते हैं कि प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक क्षारत्र में भगवत प्रेम का कुछ न कुछ संकेत मिलता है, किंतु कोई भी यह नहीं जानता कि यह भगवत प्रेम वास्तव में है क्या। किंतु वैदिक शास्त्र इस मामले में अलग हैं, क्योंकि वे किसी व्यक्ति को भगवत प्रेम का सही मार्गदर्शन करा सकते हैं। अन्य शास्त्र इसकी कोई जानकारी नहीं देते कि मनुष्य किस तरह ईश्वर से प्रेम कर सकता है। नहीं, ये शास्त्र वास्तव में इसकी परिभाषा देते हैं या वर्णन करते हैं कि वास्तव में ईश्वर क्या या कौन है। यद्यपि वे औपचारिकता की दृष्टि से भगवत प्रेम का संवर्धन करते हैं, किंतु उन्हें इसका कोई भी ज्ञान नहीं है कि इसे किस तरह संपन्न किया जाए। किंतु चैतन्य महाप्रभु इसका व्यवहारिक प्रदर्शन करते हैं कि माधुर्य भाव में ईश्वर से किस तरह प्रेम किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधारानी की भूमिका भाव ग्रहण करते हुए कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि राधारानी ने कृष्ण से प्रेम किया था। कृष्ण सदा ही राधारानी के प्रेम से चकित रहते थे। वे पूछते थे, राधारानी मुझे इतना आनंद किस तरह देती है। राधारानी का अध्ययन करने के लिए कृष्ण ने उनकी भूमिका ग्रहण की और अपने आप को समझने का प्रयास किया। भगवान चैतन्य के अवतार का यही रहस्य है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं, किंतु हमें ये दिखाने के लिए कि कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए, उन्होंने राधारानी का भाव या उनकी भूमिका ग्रहण की, इसीलिए लेखक 5वें श्लोक में लिखते हैं, मैं उन परम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो सदैव राधारानी के भावों में मग्न रहते हैं। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि श्रीमती राधारानी कौन है और राधा कृष्ण क्या है। वास्तव में राधा कृष्ण प्रेम का विनिमय है, किंतु ये कोई सामान्य प्रेम नहीं है। कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं, अंतरंगा बहिरंगा तथा तत्स्था। अंतरंगा शक्ति के भी 3 विभाग हैं, संवित हायनी तथा संधिनी। आदिनी शक्ति तो कृष्ण की आनंददायिनी शक्ति है। सारे जीवों में यह आनंद की कामना करने वाली शक्ति है, क्योंकि सारे जीव आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं। यह जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस समय हम इस भौतिक जगतों में अपने शरीर के द्वारा अपनी हायनी शक्ति का भोग परिचय अदा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम शारीरिक संपर्क द्वारा भौतिक इंद्रिय विषयों से आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमें मूर्खतावश कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण जो सदैव आध्यात्मिक हैं, हमारी तरह इस भौतिक स्तर पर आनंद की खोज करते हैं। भगवद्गीता में कृष्ण ने इस भौतिक अत्रमांड को नश्वर तथा दुखों से भरा बतलाया है, तो फिर वे भौतिक पदार्थ में आनंद की खोज क्यों करेंगे। वे परमात्मा हैं और उनका आनंद भौतिक धारणा से परे है। ये जानने के लिए कि कृष्ण किस प्रकार आनंद का उपभोग करते हैं, हमें श्रीमद् भागवत के पहले 10 स्कंधों को और फिर 10वें स्कंध को पढ़ना चाहिए, जिसमें उनकी हवादिनी शक्ति का प्रदर्शन राधारानी तथा ब्रज की सुंदरियों के साथ उनकी लीलाओं के रूप में हुआ है। दुर्भाग्यवश अज्ञानी व्यक्ति तुरंत ही 10वें स्कंध में कृष्ण लीलाओं की ओर उन्मुख होते हैं। सामान्यतया कृष्ण द्वारा राधारानी का औलिंगन अथवा गोपियों के साथ उनके रास नृत्य को सामान्य लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि वे इन लीलाओं को संसारी काम वासना के संदर्भ में देखते हैं। वे मूर्खतावश सोचते हैं कि कृष्ण उन्हीं के समान हैं और वे गोपी का आलिंगन उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार एक साधारण पुरुष किसी तरुणी का आलिंगन करता है। इस तरह कुछ लोग कृष्ण में इसीलिए रुचि दिखलाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनका धर्म यौनाचार की अनुमति देता है। ये कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम नहीं है, अपितु प्राकृत सहजिया अर्थात भौतिकतावादी काम वासना है। ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम समझें कि वास्तव में ये राधा कृष्ण है क्या। राधा तथा कृष्ण अपनी लीलाओं का प्रदर्शन कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के माध्यम से करते हैं। कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत हायनी शक्ति सर्वाधिक कठिन विषय है और जब तक कोई यह न जान ले कि कृष्ण क्या है, तब तक वह इसे नहीं समझ सकता। कृष्ण इस भौतिक जगत में कोई आनंद नहीं लेते, किंतु उनके पास हायनी शक्ति रहती है। चूंकि हम भी कृष्ण के अंश हैं, अतएव हमारे भीतर भी हवादिनी शक्ति है, किंतु हम उस हायनी शक्ति को पदार्थ में प्रदर्शित करना चाहते हैं। किंतु कृष्ण इस तरह का जन श्री चैतन्य चरितामृत व्यर्थ प्रयास नहीं करते। कृष्ण की हवादिनी शक्ति का लक्ष्य है राधारानी और वे अपनी शक्ति को राधारानी के रूप में प्रकट करते हैं और फिर उनसे प्रेम व्यवहार करते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण इस बहिरंगा शक्ति में आनंद नहीं लेते, अपितु वे राधारानी के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति या हायनी शक्ति को प्रकट करते हैं और उनके साथ आनंद लेते हैं। इस तरह कृष्ण अपनी अंतरंगा हवादिनी शक्ति को भोग करने के लिए अपने आप को राधारानी के रूप में प्रकट करते हैं। भगवान के अनेक विस्तारों अंशों तथा अवतारों में से भगवान की यह हायनी शक्ति अग्रगण्य और मुख्य है। ऐसा नहीं है कि राधारानी कृष्ण से अलग हैं। राधारानी भी कृष्ण हैं, क्योंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता है। शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई अर्थ नहीं है और शक्तिमान के बिना शक नहीं थोत है। इसी तरह राधा के बिना कृष्ण का कोई अर्थ नहीं है और कृष्ण के बिना राधा का कोई अर्थ नहीं है।
इसीलिए वैष्णव दर्शन सर्वप्रथम भगवान की अंतरंगा हायनी शक्ति को नमस्कार करता है और उसकी पूजा करता है। इस तरह भगवान तथा उनकी शक्ति को सदैव राधा कृष्ण कहकर संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार जो नारायण की पूजा करते हैं वे सर्वप्रथम लक्ष्मी का नाम लेकर लक्ष्मी नारायण कहते हैं। इस तरह भगवान राम की पूजा करने वाले सर्वप्रथम सीता का नाम लेते हैं। चाहे सीता राम हो, राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण, सबों में शक्ति सबसे पहले आती है। राधा तथा कृष्ण एक हैं और जब कृष्ण आनंद भोग करना चाहते हैं तो वे अपने आप को राधा रानी के रूप में व्यक्त करते हैं। राधा तथा कृष्ण के बीच प्रेम का आध्यात्मिक विनिमय कृष्ण की अंतरंगा हवादिनी शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन है। यद्यपि हम कहते हैं कि जब कृष्ण चाहते हैं, किंतु हम यह नहीं कह सकते कि कब। हम ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि बद्ध जीवन में हम मान लेते हैं कि हर वस्तु का प्रारंभ है, किंतु आध्यात्मिक जीवन में प्रत्येक वस्तु परम पूर्ण है। इसका न तो आदि होता है न अंत। फिर भी यह समझने के लिए कि राधा और कृष्ण एक हैं तथा वे पृथक भी हो जाते हैं, हमारे मन में कब ये प्रश्न स्वतः उठता है। जब कृष्ण ने अपनी हलादिनी शक्ति परिचय अडगाएं का भोग करने की इच्छा की, तब उन्होंने अपने आप को राधा रानी के अलग रूप में प्रकट किया, और जब उन्होंने राधा के माध्यम से अपने आप को जानना चाहा, तब वे राधा रानी से मिल गए और वही सम्मिलित रूप भगवान चैतन्य कहलाता है। ये सब श्री कृष्णदास कविराज द्वारा चैतन्य चरितवारित के 5वें श्लोक में समझाया गया है। अगले श्लोक में लेखक बताते हैं कि कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का रूप क्यों धारण किया। ऐसा बतलाया जाता है कि कृष्ण ने राधा के प्रेम की महिमा जाननी चाही थी। कृष्ण जानना चाहते थे कि वह मुझसे इतना प्रेम क्यों करती है, आखिर मुझ में ऐसा कौन सा विशेष गुण है जो उसे इस तरह आकृष्ट करता है, और वह वास्तव में किस प्रकार से मुझसे प्रेम करती है। यह विचित्र लगता है कि परमेश्वर कृष्ण किसी के प्रेम से इस प्रकार आकृष्ट हों। एक पुरुष किसी स्त्री के प्रेम को इसलिए चाहता है क्योंकि वह अपूर्ण है और उसमें कुछ कमी है। स्त्री का प्रेम, वह शक्ति और वह आनंद पुरुष में नहीं मिलता, अतएव मनुष्य स्त्री को चाहता है। किंतु कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वे स्वयं में पूर्ण हैं। इसीलिए कृष्ण ने आश्चर्य प्रकट किया, मैं राधारानी के द्वारा आकृष्ट क्यों होता हूँ, और जब राधारानी मेरे प्रेम का अनुभव करती है तब उसे कैसा लगता है। इस प्रेम व्यापार के सार का आस्वादन करने के लिए कृष्ण उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह समुद्र के क्षितिज पर चंद्रमा प्रकट होता है। जिस तरह समुद्र मंथन से चंद्रमा प्रकट हुआ था, उसी तरह आध्यात्मिक प्रेम व्यापार के मंथन से चैतन्य महाप्रभु रूपी चंद्रमा प्रकट हुए। निस्संदेह चैतन्य महाप्रभु का वर्ण सुनहला था जैसा कि चंद्रमा का होता है। यद्यपि यह आलंकारिक भाषा है, किंतु इससे चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पीछे जो अर्थ है वह प्रकट होता है। उनके आविर्भाव की पूर्ण महत्ता की व्याख्या बाद के अध्यायों में की जाएगी। चैतन्य चारितायक के 7वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करने के बाद कृष्णदास कविराज भगवान नित्यानंद को नमस्कार करते हैं। वे बतलाते हैं कि भगवान नित्यानंद बलराम हैं जो महाविष्णु के उद्गम हैं। कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम हैं जिनका एक अंश संकर्षण के रूप में प्रकट होता। अदाय श्री चैतन्य चरितामृत है। संकर्षण के बाद वे प्रद्युन रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह उनके अनेक विस्तार होते हैं। यद्यपि विस्तार अनेक हैं, किंतु श्री कृष्ण ही स्रोत हैं, जैसी कि ब्रह्म संहिता से पुष्टि होती है। वे उस मूल दीपक के तुल्य हैं जिससे हजारों लाखों दीपक जलाए जाते हैं। यद्यपि मूल दीपक से अनेक दीपक जलाए जा सकते हैं, किंतु स्रोत के रूप में मूल दीपक की अपनी पहचान होती है। इस तरह कृष्ण अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं और ये सारे विस्तार विष्णु तत्त्व कहलाते हैं। विष्णु एक विशाल दीपक है और हम सब छोटे छोटे दीपक हैं, किंतु हैं सभी कृष्ण के ही अंश। जब भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि करनी होती है तब विष्णु अपना विस्तार महाविष्णु के रूप में करते हैं। ये महाविष्णु कारणसागर में शयन करते हैं और अपने नासांद्रों से श्वास के साथ सररे ब्रह्मांडों को बाहर निकालते हैं। इस तरह महाविष्णु तथा कारणसागर से समस्त ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है और ये सारे ब्रह्मांड, जिनमें हमारा ब्रह्मांड भी सम्मिलित है, कारणसागर में तैरते रहते हैं। इस संदर्भ में वामन की कथा आती है, जिन्होंने जब अपने 3 पग भरे तो उनका पांव इस ब्रह्मांडक आवरण को भेद गया और इस तरह से उनके पग से बने छेद से कारणसागर का पानी बहने लगा। कहा जाता है कि यही जलप्रवाह गंगा नदी बन गया। इसीलिए गंगा को विष्णु का सबसे पवित्र जल माना जाता है और वह सारे हिंदुओं द्वारा हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक पूजित है। वास्तव में महाविष्णु के विस्तार हैं जो कृष्ण के प्रथम विस्तारा हैं और वृंदावन की लीलाओं में कृष्ण के भाई हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, इस महामंत्र में राम बलराम के लिए आया है। चूंकि भगवान नित्यानंद बलराम के विस्तार हैं, अतएव राम शब्द भगवान नित्यानंद का भी सूचक है। इस तरह हरे कृष्ण हरे राम में न केवल कृष्ण तथा बलराम को अपितु भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को भी संबोधित किया जाता है। चैतन्य चरितायक्ति विषय वस्तु मुख्यतः इस भौतिक सृष्टि से परे की विवेचना से संबंधित है। जगतु का भौतिक विस्तार माया कहलाता है क्योंकि इसका अस्तित्व शाश्वत नहीं है।
परिचय जज, चूंकि यह कभी प्रकट होता है और कभी अप्रकट रहता है, इसलिए यह माया भ्रामक माना जाता है। किंतु इस नश्वर जगत से परे एक उच्चतर प्रकृति है, जिसका संकेत भगवद्गीता 8.20 में प्राप्त होता है, परस्तस्माचु भावो 5.5 व्यक्तो 5 व्यक्तात्सनावन। ऐसा सर्वेषु धूतेषु नश्यत्यु न विनश्यति। तथापि एक दूसरी अव्यक्त प्रकृति भी है, जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे शाश्वत तथा दिव्य है। ये सर्वोच्च है और कभी विनष्ट नहीं होती है। जब न इस जगत का सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब वह अंश उसी तरह बना रहता है। इस भौतिक जगत एक व्यक्त स्थिति है और एक अव्यक्त स्थिति है। परा श्रेष्ठ प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त भौतिक प्रकृति से परे है। ये परा प्रकृति वह जीवन शक्ति है, जो समस्त जीवों के शरीरों में उपस्थित रहती है। ये शरीर अप्रातनिदृष्ट प्रकृति अर्थात पदार्थ से बना हुआ है, किंतु परा श्रेष्ठ प्रकृति से ही शरीर गतिमान होता है। इस परा प्रकृति का लक्षण है चेतना। इस तरह आध्यात्मिक जगत जहां हर वस्तु परा प्रकृति से बनी होती है, सब कुछ चेतन होता है। भौतिक जगत जड़ पदार्थ चेतन नहीं होते, किंतु आध्यात्मिक जगत में कोई भी वस्तु जड़ नहीं है। वहां की मेज भी चेतन है, धरती भी चेतन है, वृक्ष भी चेतन है, सभी चेतन है। ये कल्पना कर पाना संभव नहीं है कि यह भौतिक जगत कहां तक विस्तीर्ण है। भौतिक जगत में हर वस्तु की गणना कल्पना या किसी अपूर्ण विधि से की जाती है, किंतु वैदिक साहित्य भौतिक जगत से परे क्या है, उसके विषय में वास्तविक सूचना देते हैं, क्योंकि प्रायोगिक साधनों से इस भौतिक प्रकृति से परे किसी वस्तु की जानकारी पा सकना संभव नहीं है। जिन्हें केवल प्रायोगिक ज्ञान में विश्वास है, वे वैदिक प्रमाणों में संदेह कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग इतनी सी गणना नहीं कर सकते कि यह ब्रह्मांड कितनी दूरी तक फैला है, न ही वे ब्रह्मांड के भीतर बहुत दूर तक जा सकते हैं। जो हमारी चिंतन शक्ति से परे है, वह अचिंत्य कहलाता है। अचिंत्य के विषय में तर्क या चिंतन करना व्यर्थ है। यदि कोई वस्तु सचमुच अचिंत्य है, तो उसके बारे में चिंतन या प्रयोग नहीं किया जा सकता। हमारी शक्ति सीमित है और हमारा श्री चैतन्य चरितामृत इंद्रिय बोध भी सीमित है, अतएव हमें अचिंत्य विषय वस्तु के बारे में वैदिक प्रमाणों पर ही निर्भर रहना होगा। हमें पराग श्रेष्ठ प्रकृति संबंधी ज्ञान को बिना तर्क किए स्वीकार करना होगा। भला जिस वस्तु तक हमारी पहुंच नहीं है, उसके विषय में तर्क करना किस तरह संभव है। दिव्य विषय वस्तु को समझने की विधि स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवद्गीता 4.1 में दी है, जहां कृष्ण चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन को बतलाते हैं, इमन विवस्वते योग प्रोक्तान हम व्ययम विद्वान्यन में ग्राह मनुरिक्ष्वाक्वे 5 ब्रवित। मैंने योग के इस अविनाशी ज्ञान का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य जाति के पिता मनु को दिया, और मनु ने अपनी पारी में इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यही परंपरा विधि है। इसी तरह श्रीमद्भागवते वर्णन है कि कृष्ण ने ब्रह्मांड के प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा ने वह उपदेश अपने शिष्य नारद को दिया, और नारद ने उसे अपने शिष्य व्यासदेव को दिया। व्यासदेव ने इसे मध्वाचार्य को दिया, और मध्वाचार्य से यही ज्ञान माधवेंद्रपुरी को मिला, उनसे ईश्वरपुरी को तथा ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु को मिला। कोई पूछ सकता है कि यदि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, तो फिर उन्हें गुरु की आवश्यकता क्यों हुई। निस्संदेह उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं थी, किंतु वे आचार्य उदाहरण देकर शिक्षा देने वाला की भूमिका निभा रहे थे, अतएव उन्होंने गुरु स्वीकार किया। यहां तक कि स्वयं कृष्ण ने गुरु स्वीकार किया था, क्योंकि यही पद्धति है। इस तरह भगवान मनुष्यों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं, किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान इसलिए गुरु स्वीकार करते हैं क्योंकि उनमें ज्ञान का अभाव है। वे तो मात्र गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करने की महत्ता पर बल देना चाहते हैं। उस परंपरा का ज्ञान वास्तव में स्वयं भगवान से आता है, और यदि यह ज्ञान अविच्छिन्न चला आए तो वह पूर्ण होता है। भले ही हम उस मूल पुरुष से संपर्क न कर सकें जिसने सर्वप्रथम उसे प्रदान किया, किंतु हम इस संप्रेषण विधि से वही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद्भागवते कहा गया है कि परम सत्य भगवान कृष्ण परिचय जग ने ब्रह्मा के हृदय में दिव्य ज्ञान स्थानांतरित किया। हृदय से होकर ज्ञान प्राप्त करने की यह एक विधि हुई। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की 2 विधियां हैं। एक निर्भर करती है समस्त जीवों के हृदयों में निवास करने वाले परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर, और दूसरी गुरु पर निर्भर करती है, जो कृष्ण का अंश होता है। इस तरह कृष्ण बाहर से तथा भीतर से दोनों ही तरह से सूचना प्रदान करते हैं, हमें उसे केवल ग्रहण करना होता है। यदि ज्ञान को इस तरह से प्राप्त किया जाता है, तो फिर वह चाहे अचिंत्य हो या न हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। श्रीमद्भागवते वैकुंठ लोकों के विषय में पर्याप्त सूचना दी हुई है, जो भौतिक ब्रह्मांड से परे हैं। इसी प्रकार चैतन्य चरितामृत भी प्रचुर परिमाण में अचिंत्य सूचना दी गई है। प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा इस सूचना को प्राप्त करने की चेष्टा संभव नहीं है। इस ज्ञान को मात्र स्वीकार करना होता है। वैदिक विधि के अनुसार शब्द अर्थात दिव्य ध्वनि को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। वैदिक ज्ञान में शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि यह शुद्ध है तो इसे प्रामाणिक माना जाता है। यहां तक कि भौतिक जगत में भी टेलीफोन या रेडियो द्वारा हजारों मील से भेजी गई बहुत सी सूचना को हम स्वीकार करते हैं। इस तरह हम अपने दैनिक जीवन में भी शब्द को प्रमाण मानते हैं।
यद्यपि हम सूचना देने वाले को नहीं देख सकते, किंतु उसकी सूचना को शब्द के आधार पर वेद स्वीकार करते हैं। तभी तो वैदिक ज्ञान के संप्रेषण में शब्द ध्वनि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वेद हमें बतलाते हैं कि इस भौतिक प्राकट्य से परे परव्योम में अनेक विस्तृत ग्रह हैं। ये भौतिक प्राकट्य समग्र सृष्टि का केवल एक लघु अंश है। इस भौतिक प्राकट्य में केवल यही ब्रह्मांड सम्मिलित नहीं है, अपितु अन्य असंख्य ब्रह्मांड भी सम्मिलित हैं। किंतु ये सारे भौतिक ब्रह्मांड मिलकर संपूर्ण सृष्टि का केवल एक चौथाई अंश बनाते हैं। बाकी तीन चौथाई सृष्टि तो परव्योम आध्यात्मिक आकाश में स्थित है। उस व्योम में असंख्य ग्रह तैरते रहते हैं और वे वैकुंठ लोक कहलाते हैं। प्रत्येक वैकुंठ लोक की अध्यक्षता नारायण अपने चार विस्तारों संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा अवगेह श्री चैतन्य चरितामृत वासुदेव के साथ करते हैं। चैतन्य चरितामृत का 8वें श्लोक में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि यही संकर्षण भगवान नित्यानंद हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सारे भौतिक ब्रह्मांड भगवान का द्वारा महाविष्णु के रूप में उत्पन्न किए जाते हैं। जिस प्रकार स्त्री तथा पुरुष के मिलन से संतान उत्पन्न होती है, उसी प्रकार महाविष्णु अपनी पत्नी माया अर्थात भौतिक प्रकृति से मिलते हैं। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 14.4 में कृष्ण के इस कथन से होती है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्या संभवन्ति या तासा ब्रह्म महद योनिर्हम बीजप्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, ये समझना चाहिए कि समस्त योनियों की सृष्टि इस भौतिक प्रकृति के द्वारा संभव होती है और मैं उनका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। विष्णु माया अर्थात भौतिक प्रकृति पर मात्र दृष्टिपात करके उसे गर्भित करते हैं। यह आध्यात्मिक विधि है। भौतिक रूप से हम अपने शरीर के केवल एक विशेष अंग से ही गर्भ स्थापित कर सकते हैं, किंतु भगवान कृष्ण या महाविष्णु किसी भी अंग से गर्भ स्थापित कर सकते हैं। भगवान मात्र दृष्टिपात से भौतिक प्रकृति के गर्भ में असंख्य जीवों को स्थापित कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता से पुष्टि होती है कि भगवान का आध्यात्मिक शरीर इतना शक्तिशाली है कि उनके शरीर का कोई भी अंग अन्य किसी भी अंग का कार्य संपन्न कर सकता है। हम केवल अपने हाथों से या त्वचा से ही स्पर्श कर सकते हैं, किंतु कृष्ण दृष्टिपात द्वारा भी स्पर्श कर सकते हैं। हम केवल अपनी आंखों से ही देख सकते हैं, हम उनसे स्पर्श नहीं कर सकते या सुगंध नहीं ले सकते, किंतु कृष्ण अपनी आंखों से सूंघ सकते हैं और खा भी सकते हैं। जब हम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं तो हम उन्हें खाते हुए नहीं देखते, किंतु वे केवल भोजन पर दृष्टिपात करके खा लेते हैं। हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि आध्यात्मिक जगत में, जहां हर वस्तु आध्यात्मिक है, वस्तुएं किस प्रकार से कार्य करती हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण खाते नहीं या हम कोरी कल्पना करते हैं कि वे खाते हैं। वे सचमुच खाते हैं, किंतु उनकी खाने की क्रिया हमसे भिन्न होती है। जब हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्तर पर होंगे, परिचय जजदान, तब हमारा और उनका खाना एक समान होगा। उस स्तर पर शरीर का प्रत्येक भाग अन्य किसी भी भाग का कार्य कर सकेगा। सृष्टि करने के लिए विष्णु को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हें ब्रह्मा को जन्म देने के लिए लक्ष्मी देवी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रह्मा का जन्म एक कमल पुष्प से होता है जो विष्णु की नाभि से निकलता है। लक्ष्मी देवी विष्णु के चरणों पर बैठी रहती हैं और उनकी सेवा करती हैं। इस भौतिक जगत में संतान उत्पन्न करने के लिए संभोग करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आध्यात्मिक जगत में पत्नी की सहायता के बिना पुरुष जितनी चाहे संतानें उत्पन्न कर सकता है। अतः वहां संभोग जैसी कोई वस्तु नहीं है। चूंकि हमें आध्यात्मिक शक्ति का कोई अनुभव नहीं है, अतएव हम सोचते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म मात्र कपोल कल्पना है। हम इसे जानते नहीं है कि आध्यात्मिक शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि यह कुछ भी कर सकती है। भौतिक शक्ति तो कतिपय नियमों पर आश्रित है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति पूर्णतया स्वतंत्र है। महाविष्णु के रोमकूपों के भीतर बीजों की तरह असंख्य ब्रह्मांड निवास करते हैं और जब वे श्वास छोड़ते हैं तब सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। भौतिक जगत में हमें ऐसा कोई अनुभव प्राप्त नहीं है, किंतु पसीना आने के विषय में हमें इसके विकृत प्रतिबिंब का अनुभव होता है। हम महाविष्णु के एक श्वास की अवधि का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि एक बार की सांस में सारे ब्रह्मांड उत्पन्न और विनष्ट होते हैं। ब्रह्म संहिता में ये कहा गया है, ब्रह्मा जी केवल एक श्वास की अवधि तक जीवित रहते हैं और हमारे काल माप के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन अर्थात 12 घंटे 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का होता है और ब्रह्मा अपने 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। फिर भी ब्रह्मा का सारा जीवन महाविष्णु की एक थॉस में निहित रहता है। अतएव हमारे लिए महाविष्णु की सांस लेने की शक्ति का अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। ये महाविष्णु भगवान नित्यानंद के केवल आंशिक प्राकट्य हैं। इसे चैतन्य चरितायत के लेखक 9वें श्लोक में वर्णन करते हैं। 10वें तथा 11वें श्लोक में कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं कि श्री चैतन्य चरितामृत गर्भोत्कषाय विष्णु और क्षीरोत्कषाय विष्णु क्रमशः महाविष्णु के स्वांश विस्तार हैं। ब्रह्मा जी गर्भोत्कषाय विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से प्रकट होते हैं और उस कमल की नाल के भीतर अनेक ग्रह मंडल विद्यमान हैं। फिर ब्रह्मा जी समग्र मानव समाज, पशु समाज, प्रत्येक वस्तु की सृष्टि करते हैं। क्षीरोत्कषाय विष्णु ब्रह्मांड के भीतर क्षीर सागर पर शयन करते हैं। इस ब्रह्मांड के वे नियंता तथा पालक हैं। इस तरह ब्रह्मा सृष्टा हैं, विष्णु पालक हैं और जब प्रलय काल आता है तब शिव सब कुछ समाप्त कर देते हैं।
इस प्रकार चैतन्य चरकीय पतहालिम ब्रियातरा श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की विवेचना साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में और भगवान नित्यानंद की बलराम के रूप में की है, जो कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं। इसके बाद 12वें और 13वें श्लोकों में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के अन्य प्रधान पार्षद अद्वैताचार्य का वर्णन किया है, जो महाविष्णु के अवतार हैं। इस प्रकार अद्वैताचार्य भी भगवान हैं, या यूं कहें कि भगवान के विस्तार हैं। अद्वैत शब्द का अर्थ है द्वैत रहित, और उनका नाम ऐसा है क्योंकि वे भगवान से अभिन्न हैं। वे आचार्य भी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रसार किया। इस प्रकार वे चैतन्य महाप्रभु ही की तरह हैं। यद्यपि भगवान चैतन्य स्वयं श्री कृष्ण हैं, किंतु वे सामान्य जनों को कृष्ण से प्रेम करने की विधि बतलाने के लिए भक्त रूप में प्रकट हुए। इसी प्रकार यद्यपि अद्वैताचार्य भगवान हैं, फिर भी वे कृष्ण भावनामृत का ज्ञान वितरित करने के लिए प्रकट हुए। इस प्रकार वे भी भगवान हैं, जो भक्त के रूप में अवतरित हुए। भगवान चैतन्य की लीलाओं में कृष्ण 5 विभिन्न अंशों में प्रकट होते हैं, जिन्हें पंच तत्व कहते हैं, जिन्हें श्री कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितायुत के 14वें श्लोक में नमस्कार करते हैं। कृष्ण तथा उनके सारे पार्षद भगवत भक्तों के रूप में प्रकट होते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य, श्री गदाधर प्रभु तथा श्रीवास प्रभु। सभी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों की शक्ति के उद्गम हैं। चूंकि बात ऐसी है, अतएव यदि हम कृष्ण भावना को सही ढंग से संपन्न करने के लिए चैतन्य महाप्रभु की शरण परिचय त्राण लेते हैं, तो यह निश्चित है कि हम प्रगति करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर के एक गीत में कहा गया है, हे भगवान चैतन्य, मुझ पर कृपा करें, आपके समान दयालु दूसरा कोई नहीं है। मेरी यह याचना अत्यंत अविलंबनीय है, क्योंकि आपका ध्येय है पतितात्माओं का उद्धार करना, और मुझसे बढ़कर अधिक पतित अन्य कोई नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्राथमिकता के आधार पर कृपा की याचना करता हूँ। 15वें श्लोक से कृष्णदास कविराज गोस्वामी सीधे कृष्ण को नमस्कार करना प्रारंभ कर देते हैं। कृष्णदास कविराज वृंदावन के निवासी तथा महान भक्त थे। वे अपने परिवार के साथ बंगाल के बर्दवान जिले के एक छोटे से गांव कटवा में रहते थे। वे अपने परिवार वालों के साथ राधा कृष्ण की पूजा करते थे, और एक बार जब उनके परिवार में भक्ति के विषय में कुछ गलतफहमी हुई, तो नित्यानंद प्रभु ने स्वप्न में कृष्णदास कविराज को उपदेश दिया कि वे घर छोड़कर वृंदावन चले जाएं। यद्यपि वे अत्यधिक वृद्ध थे, किंतु वे उसी रात वृंदावन में निवास करने के लिए चल पड़े। जब वे वहां थे, तब वे चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्यों कुछ गोस्वामियों से मिले। वृंदावन के भक्तों ने उनसे प्रार्थना की कि वे चैतन्य चरितामृत लिखें। यद्यपि उन्होंने लेखन कार्य वृद्धावस्था में शुरू किया, किंतु श्री चैतन्य की कृपा से वह पूरा हो गया। आज चैतन्य महाप्रभु के दर्शन और जीवन के विषय में ये सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन में रह रहे थे, तब वहां मंदिरों की संख्या अधिक नहीं थी। उस समय मदन मोहन, गोविंद जी तथा गोपीनाथ, यही तीन प्रमुख मंदिर थे। वे एक वृंदावनवासी के रूप में इन मंदिरों के अर्चा विग्रहों को नमस्कार करते हैं और भगवान से अनुग्रह करने की प्रार्थना करते हैं। चूंकि आध्यात्मिक जीवन में मेरी प्रगति अत्यंत मंद है, अतएव मैं आपसे सहायता की याचना कर रहा हूँ। चैतन्य चरितामृत 15वें श्लोक में कृष्णदास सर्वप्रथम मदन मोहन विग्रह को सादर नमस्कार करते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक हो सकते हैं। कृष्ण भावनामृत संपादित करते समय हमारा पहला कर्तव्य होता है कृष्ण को जरा श्री चैतन्य चरितामृत जानना तथा उनके साथ अपने संबंध को जानना। कृष्ण को जानना स्वयं को जानना है, और स्वयं को जानना कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानना है। चूंकि यह संबंध मदन मोहन विग्रह की पूजा करके सीखा जा सकता है, अतएव कृष्णदास कविराज गोस्वामी सर्वप्रथम उनसे अपना संबंध स्थापित करते हैं। जब ये संबंध स्थापित हो जाता है, तो 16वें श्लोक में कृष्णदास अभिधेय विग्रह गोविंद को अपनी प्रणति निवेदन करते हैं। गोविंद विग्रह को अभिधेय विग्रह कहा जाता है, क्योंकि वे हमें दिखाते हैं कि राधा और कृष्ण की सेवा कैसे की जाए। मदन मोहन विग्रह केवल ये स्थापित करते हैं कि मैं आपका सनातन सेवक हूँ, किंतु गोविंद के साथ सेवा की वास्तविक स्वीकृति दिखती है। गोविंद वृंदावन में नित्य निवास करते हैं। वृंदावन के आध्यात्मिक जगत महले चिंतामणि के बने होते हैं। गायें प्रचुर दूध देने वाली होती हैं, जिन्हें सुरभि कहा जाता है, और वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो भी कामना करता है वे उसे पूर्ण करते हैं। वृंदावन में कृष्ण सुरभि गौवों को चराते हैं, और वहां की हजारों लाखों गोमपियां उनकी पूजा करती हैं, जो सब सक्ष्मियां होती हैं। जब कृष्ण भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तब यही वृंदावन उनके साथ अवतरित होता है, जिस तरह किसी विख्यात व्यक्ति के साथ उसका दल चलता है। चूंकि जब कृष्ण आते हैं, तो उनकी भूमि भी साथ आती है, अतः वृंदावन को इस भौतिक जगत से परे अवस्थित माना जाता है। इसीलिए भक्तगण भारत में स्थित वृंदावन की शरण लेते हैं, क्योंकि यह मूल वृंदावन की प्रतिकृति माना जाता है। भले ही हम शिकायत करें कि यहाँ पर कोई कल्पवृक्ष नहीं है, किंतु जब गोस्वामीगण वहां रह रहे थे, तब कल्पवृक्ष विद्यमान थे। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर इन वृक्षों से मांगने लगे, पहले उसे भक्त बनना होगा। गोस्वामीगण किसी भी वृक्ष के नीचे केवल एक रात ठहरते थे, और ये वृक्ष उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे।
सामान्य व्यक्ति के लिए ये बहुत अद्भुत लग सकता है, किंतु ज्यो ज्यो मनुष्य भक्ति में प्रगति करता है त्यो त्यो ये सब अनुभव होने लगता है। वृन्दा वास्तवी का अनून वभिकवती को ही हो पाता है जो परिचय जाए भौतिक आनंद से विमुख हो चुके हैं। एक महान भक्त पूछता है, कब मेरा मन भौतिक भोग की लालसा से शुद्ध हो सकेगा जिससे मैं वृंदावन का दर्शन कर सकूं? हम जितने ही अधिक कृष्ण भावना भावित होंगे और जितने ही अग्रसर होंगे, सारी वस्तुएं उतनी ही आध्यात्मिक लगने लगेंगी। इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भारत के वृंदावन को आध्यात्मिक आकाश में स्थित वृंदावन जैसा ही माना और चैतन्य चरितायत के 16वें श्लोक में वे राधारानी तथा कृष्ण को वृंदावन में एक कल्प वृक्ष के नीचे रत्नजटित सिंहासन पर आसीन बतलाते हैं। वहां कृष्ण की प्रिय गोपियां राधा तथा कृष्ण की सेवा गाकर, नाचकर, तांबूल तथा जलपान देकर और उन्हें फूलों से सजाकर करती हैं। आज भी भारत में लोग झूलते हुए सिंहासनों को सजाते हैं और जुलाई अगस्त मास में इस दृश्य को पुनरुजीवित करते हैं। सामान्यतया उस समय लोग वहां के अर्चाविग्रहों को नमस्कार करने वृंदावन जाते हैं। अंत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाठकों को गोपीनाथ विग्रह के नाम पर आशीर्वाद देते हैं। गोपीनाथ विग्रह गोपियों के स्वामी के रूप में कृष्ण हैं। कृष्ण सारी गोपियों को अपनी वंशी की ध्वनि से आकुष्ट करते थे और जब गोपियां अपने घर के सारे कामकाज छोड़कर आ जाती थीं, तब कृष्ण उनके साथ नृत्य करते थे। ये सारे कार्यकलाप श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध में वर्णित हैं। ये गोपियां कृष्ण की बाल्यावस्था की संगिनी थीं और उनमें से बहुत सी विवाहिता थीं, क्योंकि भारत में लड़कियों का विवाह सामान्यतया 12 वर्ष की आयु में हो जाता है। हाँ, लड़कों का विवाह 18 वर्ष के पूर्व नहीं होता, अतएव कृष्ण, जो उस समय 15 या 16 वर्ष के थे, विवाहित नहीं थे। फिर भी वे इन लड़कियों को उनके घरों से बुलाते और अपने साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित करते थे। यह नृत्य रासलीला कहलाता है और यह वृंदावन की लीलाओं का सर्वाधिक उच्च स्तर का विलास है। इसीलिए कृष्ण गोपीनाथ कहलाते हैं, क्योंकि वे गोपियों के प्रिय प्राणनाथ हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान गोपीनाथ से आशीर्वाद प्रदान करने को कहते हैं, वे गोपीनाथ अर्थात कृष्ण आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आप गोपीनाथ द्वारा आशीष प्राप्त करें, जिस प्रकार कृष्ण अपनी वंशी की मधुर गए श्री चैतन्य चरितामृत ध्वनि से गोपियों को आकृष्ट कर लेते थे, श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक प्रार्थना करते हैं कि उसी प्रकार गोपीनाथ अपनी दिव्य ध्वनि से इसके पाठकों के मन को भी आकृष्ट कर लें।